अगर आप लोगों में से 95% लोगों ने कभी ना कभी गेम खेली होगी और गेम खेलने के बाद अपने माइंड में एक गेमिंग कम्युनिटी का सपना बिल्ड किया होगा। लिटरली डूड, मैं भी आपकी उसी लिस्ट से आता हूँ। फिर वो गेमर बनने के सपने से आप सोचते हो कि मैं भी इंडियन की गेमिंग कम्युनिटी में आ जाऊंगा, बट रियलिटी डूड वो है कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी सबसे वर्स्ट कम्युनिटी है। हाँ, इसके ऊपर आप ना जाने YouTube पे कितने सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, बट आज की वीडियो में मैं गारंटी कह सकता हूँ आप लोग को, आई स्वेयर जो मैं एग्जाम्पल दूंगा एकदम रियल लाइफ होंगे। बट हाँ, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी को मैं पहले बता दूं कि मैंने किसी एक यूट्यूबर को पर्टिकुलर टारगेट नहीं किया है, तो अपने दिल पे ना ले। और पता है कुछ फैन आएंगे कमेंट बॉक्स में बाबा 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 गाली बकेंगे, भाई तूने क्या कर दिया, भाई तूने मेरे यूट्यूबर को बोल दिया, भाई तूने मेरे इसको बोल दिया, तूने भाई मेरे पापा को बोल दिया, भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी इजी। बट मैंने किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं किया है। और वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना याद से, बिकॉज ऐसे चैनल पर बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहती है। तो मैं इस वीडियो में पूरे 3 पॉइंट्स लूंगा। तो नंबर फर्स्ट पे आता है रिपीटिंग। हमारी गेमिंग कम्युनिटी में न जाने कितने बड़े बड़े गेमिंग यूट्यूबर बैठे हैं जिनको आप अपनी रोज प्यारी प्यारी आंखों से देखते हैं। हाँ, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे अज्जू भाई का, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है टोटल गेमिंग। उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा है कि मैंने नाम इसलिए रखा था कि मैं अपने चैनल पे सारी गेम ट्राई करना चाहूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ भाई ने स्टार्टिंग में गेम ट्राई करी होंगी, बट उन्होंने फ्री फायर जब से चालू करी है पर्टिकुलर वो उस पर ही टिक गए हैं। हाँ भाई, इसके ऊपर भी शायद उनका अपना कोई ओपिनियन होगा। और ये चीज़ तो वो भी समझ गया कि जो मेरी ऑडियंस बैठी है वो सिर्फ मेरे फ्री फायर का ब्ला ब्ला कंटेंट देखने के लिए बैठी है, जैसे 1v4, मैंने इसकी कोबड़ी फोड़ दी, मैंने अमित भाई की चड्डी उतार दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और बस फिर उसी गेम प्ले के साथ, उसी थंबनेल के साथ, वही रोज फ्री फायर की वीडियोस। क्या यही है हमारी गेमिंग कम्युनिटी, बस फ्री फायर की? और अब जब इतने बड़े गेमिंग यूट्यूबर की बात छिड़ी है तो बात कर लेते अपने उज्जवल चौरसिया भाई के बारे में। हाँ, मैं पर्सनली मानता हूँ कि भाई बहुत गेम ट्राई करते हैं, बट ये चीज तो वो भी समझ गया कि मेरे जो पैसा आएगा, अरे मेरे जो व्यूज आएंगे वो GTA 5 से ही आएंगे। हाँ भाई, इतनी पुरानी गेम वो आज भी खेलते हैं क्योंकि वो सब कुछ समझ गए हैं। बट भाई टचवुड, मैं ये कहना चाहूंगा कि BBS भाई, बीस्ट बाय शुभ, इस मामले में बेस्ट है क्योंकि वो सारी गेम ट्राई करते हैं लिटरली गाइस। जब भाई बात छिड़ी गई हमारी इतनी कीमती गेम फ्री फायर की, तो लोग बात कर लेते हमारे ई-स्पोर्ट्स की। हाँ भाई, ई-स्पोर्ट्स इतना बढ़िया होता है हमारी गेमिंग कम्युनिटी के, जिसको हमारी पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी ने एकदम टट्टी बना दिया लिटरली गाइस। हमारी ई-स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ दो ही गेम है, मात्र मात्र पबजी और फ्री फायर, जिसको देखो भाई यही पबजी यही फ्री फायर। और वहीं हमारी बाहर की कंट्रियों में भाई लिटरली कितनी सारी गेमें हैं ई-स्पोर्ट्स के लिए, जहां पर वो विन करती हैं और कितना सारा मनी अर्न करती हैं। और सेकंड पॉइंट आता है हमारे व्यूज। लिटरली गाइस, कोई भी जब ट्रेंडिंग टॉपिक या ट्रेंडिंग गेम चलेगी, सारे यूट्यूबर्स ऐसे उस पर लिपट जाएंगे जब तक पूरा अच्छे से व्यूज ना आ जाए, पैसा ना जाए, मोटी चैन, मोटा पैसा, तब तक उस गेम को नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई, पूरा लपेट लेंगे। जैसे एग्जांपल ग्रैनी का, भाई ग्रैनी ट्रेंड में चल गई, जो यूट्यूबर ग्रैनी नहीं खेलता वो भी ग्रैनी खेल के अपने व्यूज लपेटेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या गेमिंग कम्युनिटी कहां किस गड्ढे में गिर रही है लिटरली डूड। हाँ, फिर इस टॉपिक पे मैं कहना चाहूंगा भाई, हमारे टेक्नो गेमर इस चीज में काफी बेस्ट है, बिकॉज वो सारी गेम ट्राई कर लेते हैं कभी ना कभी, बट भाई ज्यादातर वो GTA 5 ही खेलते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक की तरफ जाते हैं बट ट्रेंडिंग टॉपिक खुद भी क्रिएट करते हैं। और नंबर थर्ड वाले पॉइंट को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना आपने, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना आपने, तो थैंक यू सो मच मेरी जान। तो नंबर 3 पॉइंट पे कोई और नहीं, हमारा वन ऑली फेवरेट ऑडियंस आती है। हाँ भाई, आप लोग जो अपनी प्यारी प्यारी हाथों से हमारी वीडियो को क्लिक किया है, अपनी प्यारी प्यारी आंखों से हमारी वीडियो देख रहे हो, हाँ वही ऑडियंस। अभी इस टाइम पे हमारी वीडियो ऑडियंस इतनी इमेच्योर है कि वो कोई और गेम देखना पसंद करते नहीं। अभी यूट्यूबर की क्या गलती जो दूसरी गेम ट्राई करे? हाँ, कुछ यूट्यूबर दूसरी गेम ट्राई करते हैं, बट देखो ना, ऑडियंस जब वीडियोस देखती नहीं है तो उनके व्यूज कहाँ से आए? वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और गेमिंग कम्युनिटी क्या खाक आगे पड़ेगी। हाँ, आज की ऑडियंस वही देखना पसंद करती है, धूम 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 अमित भाई को मार दिया 1v2 में, धूम 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 गन कलेक्शन खोल दी, धूम 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 क्रिएट खोल दी। भाई लिटरली उनको कोई और गेम खेलना पसंद ही नहीं है, कितनी सारी PC गेम आ चुकी हैं, बट उनको फ्री फायर में वही क्रिएट ओपनिंग करनी है, उनको पबजी में वही यूसी अड़ानी है। भाई मैं क्या कहूँ, गेमिंग कम्युनिटी पूरी वर्स्ट होती जा रही है। और डेफिनेटली मैं अपनी अगली वीडियो में इतना बड़ी एग्जांपल दूंगा एकदम रियलिटी ट्रुथ वाला, आप लोग सुन के एकदम कांप जाओगे। तो अभी के लिए बाय, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।